हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, नवंबर दिसंबर 2022 के अंदर जो अपकमिंग एग्जाम होने वाली है 70 मार्क के साथ और साथ में 2.5 आवर टाइमिंग के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, जो 99% होने की यही संभावना, उसको लेकर मैं आज डिस्कशन करूंगा। साथ साथ में इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम टाइम में हम पूरे मार्क अचीव कर सके, साथ साथ में इस बार की एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में कौन सी आईएमपी थ्योरी रहेंगी, कैसे सम्स की तैयारी करनी है, उन सबको लेकर भी मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और सारे स्टूडेंट्स की भी हम हेल्प कर सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अभी हम 2 या 3 मंथ पहले से ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो नवंबर दिसंबर में मोस्ट ऑफ इसी मंथ में एग्जाम होने के चांसेस है और 70 मार्क की ही होगी, ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो हमारे 2.5 आवर के टाइमिंग के साथ होने वाला है। तो यही होने के चांसेस 99% है। बाय चांस कहीं चेंज हुआ तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न को लेकर। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 2018 एंड 19 में एग्जाम हो चुकी है, तो वही पेपर पैटर्न यहां पर अप्लाई किया जाएगा। बाय चांस अगर चेंज होगा तो क्या होगा वो मैं एंड में भी जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास 4 यूनिट है, तो 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब हर एक क्वेश्चन के लिए मार्किंग कैसे होगा, कैसे इस सब्जेक्ट के मार्किंग रखे जाएंगे, वो डिटेल में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, जहां पर हमको ए और बी करके 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको बता दूं, चैप्टर आप जानते होंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा स्टेट के अंदर वो हमारा है संकलन इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो ये चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनने वाला है, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अब यहां पर ए और बी में कैसे मार्किंग, तो ध्यान से समझना, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पता है थियरी होती जरूर है, तो फर्स्ट जो रहेगा वो हमारे थियरी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और दूसरा जो रहेगा सम्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। बट साथ साथ में बोलना चाहूंगा, ए के अंदर थियरी और सम्स है अगर साथ में, तो ऑप्शन के अंदर भी सेम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें सेम आपको एक थियरी और सम्स देखने को मिलेगा, मतलब 2-2 के पैर में आपके पास होगा, या तो ऊपर के 2 करो या तो नीचे के 2 करो, ठीक है। मार्किंग तो समझ गए कि 7-7 मार्क करके पूछा जाएगा, थियरी 1 होने के चांसेस है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि एक थियरी 7 मार्क इसमें बन सकती है। जहां पर छोटी छोटी होगी तो वहां 2 या 3 थियरी लिखनी पड़ेगी। सम्स की भी वही बात है, अगर जिस चैप्टर में एक सम्स 7 मार्क का बन सकता है तो डायरेक्ट बना देगा, या भी छोटे छोटे इस चैप्टर में जानते हैं कि 2 या 3 सम्स सॉल्व करोगे तब जाकर आपके 7 मार्क कवर होने वाले हैं। तो इस तरह से फर्स्ट ए के अंदर आपके 14 मार्क कवर हो जाएंगे, चाहे ऊपर के करो चाहे नीचे के। अगर इसमें चेंज होना है तो क्या होगा वो मैं एंड में लास्ट में 4 क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद बताऊंगा कि बाय चांस ऊपर नीचे चेंज क्या हो सकता है, इसलिए एंड तक देखना है। यहाँ 14 हो गए। अब बी की बात कर लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए एमसीक्यू होने के चांसेस 99% नहीं है। एमसीक्यू मेरे अकॉर्डिंग आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ रूल्स बेस्ड होते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो शॉर्ट्स क्वेश्चन यहाँ पे बी में पूछे जाएंगे। कितने होंगे, तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन होंगे, बट आपको 3 क्वेश्चन नहीं करने होंगे, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। मार्किंग की बात करो तो 4 मार्क होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 2 मार्क का बनेगा और 2 क्वेश्चन के थ्रू आप 4 मार्क अटेम्प्ट कर लोगे। जिस तरह से यहाँ पे 14 और यहाँ पे 4, टोटल हमारे 18 मार्क इस क्वेश्चन के कवर हो जाएंगे। क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लास्ट देखना हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, यहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और हो सके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज आती है वो मैं वहां अपडेट करता हूँ, तो प्लीज वहां पे फॉलो जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड आपका पता है चैप्टर कौन सा है हमारा, पॉइजन और अति गुणोत्तर का हमारा चैप्टर, तो इसी में से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनने वाला है। अब होगा कैसे तो मैं बता दूं, यही सेम टू सेम यहाँ पर भी यही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, ए और बी करके फर्स्ट हमारी थियरी, क्योंकि स्टेट है इसलिए थियरी होना कंपलसरी, चाहे आपका कोई भी पेपर हुआ होगा किसी भी ईयर में पूछा ही गया, ठीक है, वही 7 मार्क और 7 मार्क, और ऑप्शन के अंदर भी आपको देखने को 7 मिलेगी 2 क्वेश्चन, एक वही थियरी वाला और एक सम्स वाला। अब इस चैप्टर में हो सकता है कि डायरेक्ट एक थियरी 7 मार्क की बन सकती है, वो पॉइजन की भी हो सकती है, अति गुणोत्तर की भी हो सकती है, तो एमपी में जरूर बताऊंगा। और सम्स की बात करूं तो यहाँ पे पॉइजन का हो सकता है, नीचे अति गुणोत्तर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ थियरी पॉइजन की और सम्स अति गुणोत्तर का, समझ रहे हो, यहाँ पे अति गुणोत्तर की थियरी और सम्स पॉइजन का, करना तो कंप्लीट आपको पड़ेगा, ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा, 14 मार्क कवर करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा ही। बी की बात करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने बात की वही यहाँ पर भी लागू होती, वही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग की बात करो तो वही 4 मार्क होंगे, लेकिन आपको कोई भी 2 करने दिए जाएंगे, 3 3 में से कोई भी 2,
ऑप्शन होंगे जरूर, हर बार ऑप्शन होंगे, 14 मार्क के लिए भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए गए और 4 मार्क के लिए भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए गए जरूर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 3 के लिए, आप देखना यहाँ पे हल्का सा थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्या होगा बता देता हूँ। क्वेश्चन 3 जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जानते होंगे आपका जो ग्राफ वाला चैप्टर है, प्रक्रिया नियंत्रण पद्धति, शॉर्टकट लिखूंगा फटाफट टाइम बचाने के लिए, यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो ए बी का तो काम होगा ही, ये कंपलसरी पूरे चैप्टर पूरे पेपर में। यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड दो सेक्शन जरूर बनेगा, एक थियरी का और एक सम्स का, सम्स मतलब यहाँ पे ग्राफ होगा, और ऑप्शन में वैसे ही एक थियरी और आपको एक सम्स देखने को मिलेगा, चाहे ऊपर के दो या नीचे के दो। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बाय चांस मार्किंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि ग्राफ पे तो उसको 8 मार्क कर देवे, बाय चांस की बात कर रहा हूँ, वरना 7-7 करके वो पूछ ही सकता है। ग्राफ के मार्क इंक्रीज करना चाहे तो 10 मार्क करके आप 4 मार्क कर सकते हैं, बाय चांस की बात कर रहा हूँ, वरना 7-7 के अकॉर्डिंग आप आइडल समझ के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, समझ गया। बी के अंदर वही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि इस बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क यहाँ क्वेश्चन 3 में 3 मार्क का होगा, वहां 4 मार्क का है, 3 मार्क का, तो समझिएगा 3 मार्क का होगा, इसका मतलब आपको कोई एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, इसलिए आपको 3 क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, 3 से ज्यादा मेरे सबसे 4 तो होंगे, कई बार 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने, 3 अटेम्प्ट करोगे तो 3 मार्क होंगे, वहां पर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि 1 के 2 मार्क होंगे या 1 के 1 1 मार्क होंगे। आई होप आप देख रहे होंगे, समझ में सब आ रहा होगा, क्लियर। अब बात कर ले सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो यही क्वेश्चन 3 तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का भी फॉर्मेट होने वाला है, ए और बी करके, समझ गए होंगे, वही हमारा थियरी, वही हमारा सम, 7 मार्क 7 मार्क, और ऑप्शन में भी आपको वही 1 और 2 देखने को मिलेगा, थियरी और सम्स, ठीक है। यहाँ पर 14 मार्क का होगा, और बी की जैसे मैंने बात की थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे, आई होप दिख रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पर मार्किंग मैंने कहा जैसे 3 मार्क का ही होने वाला है, यहाँ पर 14 और 3 टोटल 17 मार्क कवर होंगे, तो यहाँ पर भी 14 और 3 17 मार्क कवर होंगे। 3 के लिए भी मैंने कहा 1 2 3 और 5, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन 3 और 4 सेम रहेगा, 1 2 आपका सेम रहेगा, थियरी सम्स आने वाला है, एक एक के ऑप्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ए के ऑप्शन में आपके पास होगा, बी के ऑप्शन में आपके पास होगा, तो इस तरह से आपके 70 मार्क हो जाएंगे कवर, करने रहेंगे चारों के चारों। अब थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस अगर होना तो क्या होगा वो मैं आपको बोल देता हूं, तो सुनिएगा, हल्का सा कैसे हो सकता है कि आप पेयर में पूछा जाए ये दो करो या तो ये दो, इसकी जगह दूसरा ए में क्या हो सकता है चेंजेस, बाय चांस की बात करो कि 1 और 2, तो 1 के और में 1 और 2 के और में 2, मतलब यहां पर थियरी के और में दूसरी थियरी, सम्स के और में दूसरा सम्स, ऐसा हो भी सकता है, बाय चांस की बात करो, बात तो एक ही है, यहां पर क्या ये थियरी करो तो ये सम्स करना पड़ेगा, यहां पर ये थियरी की तो ये सम्स, यहां पर ऐसा हो सकता है इन दोनों में से कोई एक थियरी लिखो, इन दोनों में से कोई एक सम्स करो, ये भी बाय चांस ए में हो सकता है, समझ गया, जो होने की संभावना मैंने बात की ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा पेपर पैटर्न होगा 70 मार्क के अकॉर्डिंग और 2.5 आवर के टाइमिंग के साथ क्लियर हुआ होगा, यही हमारा 18 और 19 में पेपर था, अगर यही टाइमिंग होगा यही मार्किंग होगा तो यही पेपर पैटर्न को अगेन फॉलो किया जाएगा, चेंजेस होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब आते हैं हमारी मेन स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर, पेपर पैटर्न क्लियर हुआ होगा, अब तैयारी इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, प्लेलिस्ट में प्लीज जाइएगा, सम सारे चैप्टर के मैंने डिटेल में अपलोड किए हुए, हो सके तो चैनल के मेंबरशिप ले लीजिएगा, जिससे जो सारे वीडियो मेंबर्स के लिए अपलोड हुए वो भी आप देख पाएंगे। अब आते हैं आईएमपी थियरी को लेकर, देखिए थियरी स्टेट की बात करें तो हर एक थियरी एग्जाम में पूछी ही गई है, कोई फिक्स ऐसी नहीं है कि ये थियरी बच गई हो, फिर भी मैं उसमें से कुछ थियरी बता देता हूँ जो खास करनी चाहिए, और टोटल कितनी थियरी वो भी मैं बता देता हूँ। गुजराती की बुक, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले अपना बुक रखेंगे तो क्लियर आप समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक अंदर से बताता हूँ पेज वाइज, पहले व्याख्या तो आपको संकलन इंटीग्रेशन की पढ़नी ही पड़ेगी और पढ़ ही लेना चाहिए, आपके काम में भी आएगा सम्स के अंदर, और रूल्स नियम पढ़ लेना फटाफट, इसके प्रमाणित रूप रूप जो दिए इसमें से सारे 9 है, लेकिन एग्जाम में 4 या 5 पूछ सकता है, कोई 4 लिखो 5 लिखो ऐसा, और सम्स के अंदर भी आपको यूजफुल होगा, तो ये आपको कंपलसरी पढ़ना ही है, 7 मार्क में डायरेक्ट बन सकता है इस चैप्टर की थियरी। उसके बाद दूसरी थियरी, इसका ऑपोजिट नियत संकलन, ठीक है वही आपको थियरी पढ़ना है, ये वाला है यहाँ पर, इसकी व्याख्या डेफिनेशन है पढ़ ही लेना है, ठीक है, और साथ में उसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज ये आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। और अगर बाय चांस पूछने की है, बाय चांस कम वो दो फिक्स है, वो दो तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, दो थियरी तो दोनों में से एक तो होगी, शायद दो ही हो सकती है, दोनों की तो वही हो सकती है, बाय चांस उसके उपयोग के थ्रू आपको समझाना पड़े कुल खर्च टोटल कॉस्ट और आमदनी टोटल रेवेन्यू, बाय चांस इतना सा लिखना पड़े ये पूछ भी सकता है बाय चांस के बाद। एक 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में से पढ़ना है, लास्ट में बताऊंगा कौन से चैप्टर आपको इजी पढ़ेंगे तैयारी करने के लिए, अगर आपका कम टाइम है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं पहले से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी कर पाओ, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस रेडी करना है इसके लिए। यूनिट नंबर 2 की और आते हैं, हमारा पॉइजन और अति गुणोत्तर
ठीक है, हाइपर ज्योमेट्री। तो देखिए थियरी की पहले मैं बात करूंगा, सम्स तो मोस्ट ऑफ मैंने अपलोड किए सारे मेथड, आप कर ही लेना, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं, और मेंबरशिप लोगे तो अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भी एक थियरी कंपलसरी पॉइजन की, ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि इसको फॉर्मूले वाइज आपको पूछा जाता है। और साथ में एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे परिभाषा में क्या है, द्विपदी वितरण कब उपयोग किया जाता है वो आपको समझाया गया, ब्लैक डार्क में दिख रहा होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना ये पढ़ लेना, मतलब इसके साथ पूरा पढ़ना आपको, पर इस पर फोकस करना वन लाइनर के अंदर हो भी सकता है। और साथ में जैसे मैंने कहा गुणधर्म प्रॉपर्टीज पढ़ना ही है और उसके उपयोग यूजेस पढ़ना ही है, कुछ भी नहीं क्योंकि इसी में से छोटे छोटे सम्स भी होंगे ही। ये पढ़ लिया पॉइजन की थियरी पद गई, और उसके सम्स करना ही पड़ेगा, सम्स की बात करो सारे वीडियो अपलोड है। सेकेंड अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक सेम ये रहा हमारा। तो यहाँ पर ये जो है आवश्यक शर्त बाय चांस की बात करो, ये पूछे ना भी पूछे को फिक्स नहीं, बट देख लेना हल्का फुल्का, बट आपको ये घटक तो जो इसका फॉर्मूला ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर्मूले की बात करो चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, ये अपना करना ही है, व्याख्या में डेफिनेशन में आ चुका है, और साथ में गुणधर्म और उपयोग, ये गुणधर्म प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस इतना पढ़ लेना ये चैप्टर में, वही दो थियरी है। और जहां मैंने कहा दो थियरी आएगी तो दोनों होने वाली ही है, पढ़ ही लेना है। अब आते हैं यूनिट नंबर थ्री की, और यहाँ पर थियरी थोड़ा समझना एक्स्ट्रा ज्यादा दी गई, फिर भी दो या तीन बता देता हूँ, वो पढ़ लेना क्योंकि एक तो होगी यहाँ पर जो गुणवत्ता में चलन लिखा ना, वेरियंस इन क्वालिटी, तो यहाँ पर ये प्रकार करके पूछ सकता है या उसके कारण करके पूछ सकता है, कुछ भी रीजन, दोनों में आंसर सेम ही है। यही दो को आपको एक्सप्लेन करना है, यही दो को आपको एक्सप्लेन करना है, चाहे चलन ठीक है, वेरियंस के बारे में पूछे, उसके टाइप्स पूछे, प्रकार क्या कारण, कुछ भी ये दो है आपको ये पढ़ लेना है। ये हो गया एक, और दूसरा आपका पता ही होगा सानुक्रमण सिद्धांत थियरी ऑफ रन्स, ये दो टॉपिक पढ़ लेना है, और ऐसे और भी टॉपिक है पर ये दो पहले पढ़ना है, और एक डिफरेंस जो है ठीक है वो पढ़ लेना है। बाकी ग्राफ आप सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत और अच्छा आपको आता ही होगा। डिफरेंस कौन सी बात कर रहा हूँ, दोनों चलन के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर, ये चलनात्मक और गुणात्मक, ये दोनों पढ़ लेना। ये तीन टॉपिक ही बताया मैंने, कम से कम ही बता रहा हूँ, क्लियर। यूनिट नंबर फोर क्या, तो लास्ट में ना स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और वीडियो प्लीज शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, रिसर्च किया जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। फोर चैप्टर का थियरी कैसा है, सेवन मार्क का एक आने का बहुत कम चांस है, इसमें दो या तीन मिला के सेवन मार्क बनते हैं। इस चैप्टर की ऐसी खासियत है, जैसे आपको दिखा देता हूं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर थियरी में ओपन करके दिखा, देखो AQL LTPD ये तीन चार चार में से तीन के तब आपके सेवन मार्क कवर होते हैं, तो इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट। तो जैसे मैं यहीं से बता दूं तो पॉइंट नंबर फाइव तो पढ़ना ही, उत्पादक ने जोखम, ग्राहक ने जोखम, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर रिक्स, ठीक है। उसके बाद वही वो अपना AOQ ATI या फिर आप यहां पर देख रहे हो पॉइंट नंबर फोर AQL LTPD पढ़ना ही पड़ेगा हल्का फुल्का, और सम्स में आपको हेल्प होगी। और साथ साथ में जो अगर सेवन मार्क का डायरेक्ट पूछना, ये जो फायदा दिख रहा है, फायदा बोलो, महत्व बोलो, एक ही बार इंपॉर्टेंस बोलो, यूजेस बोलो, ये आपको पढ़ना ही है। पॉइंट नंबर टू और एक सबसे खास पॉइंट नंबर सिक्स, क्रिया लक्षण वक्र, ठीक है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, ये जो टॉपिक है गुणधर्म, ये पूछ लिए जाते हैं। सेवन सेवन मार्क में अगर एक ही पूछना है तो ये दो टॉपिक है, पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर सिक्स, लेकिन तीन या चार टॉपिक मिला के पूछना है तो जैसे मैंने कहा उत्पादक नु जोखम, ग्राहक नु जोखम, AQL LTPD, ये जो टॉपिक दो या तीन होते हैं साथ में पूछ सकता है। सेवन सेवन मार्क के लिए नंबर टू और सिक्स, और छोटे छोटे के लिए वो आप मिला के पढ़ना, तो थोड़ा बहुत डिटेल सारा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ही, चैप्टर में थोड़ी थियरी ज्यादा है, क्लियर होगा आई होप, आपको थियरी भी पता चल जाएगा। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो तैयारी कैसे करनी है, तो समझा देता हूँ, सिलेबस तो पूरा है, फिर भी अगर आपको पहले तैयारी कौन से चैप्टर की करनी जो ईजी रहेगा, जिनको कुछ नहीं पता है, वैसे तो मैंने अपलोड किया वही आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जिन स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है स्टेट लेंदी हो सकता है। सबसे ईजी हमारा नंबर टू थ्री हो सकता है, उसके बाद इजी नंबर फोर हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में वन, टू पहले इजी, फिर ग्राफ वाला उससे सेकंड नंबर पे, और फोर्थ वाला उससे थर्ड नंबर पे, और लास्ट में वन। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, क्लियर हुआ। तैयारी वैसे तो सब चैप्टर की करके जाना ही है, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर नंबर वन। ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन, ये स्ट्रेटेजी या IMP और ये पेपर पैटर्न। बाय चांस चेंज हुआ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, जैसे सारे वीडियो आप देख पाएंगे, और भी वीडियो अब अपडेट होने वाले, और कोई समस्या कोई चैप्टर में बाकी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और हर एक वीडियो जो आप देख रहे हो उसके नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, जिससे वो सम्स भी मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।